तो स्वागत है आप सबका मेरे साथ मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। जैसे कि आप सबको पता है मम्मा जी बीमार है, तो ज्यादा काम तो करने दिए नहीं। रेस्ट के लिए बोला हुआ कि बीपी हाई है उनका, तो मैंने सुबह का खाना बनाया। तो अभी मैं कहने लगी हूँ सफाई तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। पता नहीं कैसे करूँगी, बट करनी तो पड़ेगी। अभी ये जो मेरा रूम है इसे साफ करूँगी, फिर बाकी जो बाकी रूम है उन्हें साफ करूँगी। तो मेरा रूम तो वैसे आप देख लीजिए साफ ही है, कौन सा इतना गंदा है। तो चले साफ करते हैं। रूम तो साफ हो गया और आज फिर से गर्मी हो चुकी है। वैसे भी गर्मी सुबह जब उठी मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, मैं कह रही कम्बल दो क्योंकि 8 बजे तो मैं कहती अब कौन सा कम्बल, अब तो सुबह हुई जा फिर उठी, अब ये करने लगी हूँ। फिर इसके बाद मैं बर्तन साफ करूँगी, खाना मैंने शुरू बना दिया था। तो ये वाला रूम तो हो गया साफ, अब हम चलते हैं दूसरे रूम। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं दूसरे रूम में। अब इस रूम को भी साफ करना है क्योंकि इस रूम में मैं कभी कभार स्टडी करने के लिए बैठती हूँ, तो इसलिए हालत ख़राब है। सो चले फिर ये भी साफ करते हैं। मर गई यार तो काम कर करके। अब चलते हैं दूसरे रूम में। सो गाइस हम आ चुके हैं तीसरे रूम में। इस रूम की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है क्योंकि यहाँ पे कपड़े चेंज हो गए रूम में। तो अब ये वाला साफ करते हैं, उसके बाद
फिर झाड़ू लगाएंगे और फिर भजन। सो चले झाड़ू भी लगा दिए, सफाई भी कर दी, बर्तन भी धो दिए। सो अभी बहुत मतलब थक चुकी हूँ, तो थोड़ा सा मतलब कि अभी गर्म उम कहते हैं कि जब मतलब काम कर लिया जल्दी जल्दी से तो नहाना नहीं चाहिए, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद हम फ्रेश होकर आते हैं, क्योंकि गर्मी ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। और जैसे कि आप लोगों को तभी बारिश का मौसम था तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, तो क्या बोलूँ मैं। सो अभी थोड़ी देर एंड लगा के बैठती हूँ, तो उसके बाद हम फ्रेश होके आते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मम्मा क्या बोलते हैं, कौन सा काम हम करने के लिए, तो देखते हैं। सो गाइस इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि नीचे बैठना पड़ रहा है। ये देखना मेरे कमरे पे कब्जा कर लिया है इन्होंने, मरीज ने, हमारे घर के मरीज ने मेरे कमरे पे कब्जा कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे नीचे बैठना पड़ रहा है। सो सुबह सिर्फ दो रोटी खाई थी, मम्मा ने तीन खाई थी, तो अभी बज चुके हैं, टाइम कितना हुआ पता नहीं, जितना भी हुआ है 3:30 हो चुके हैं और भूख लगी हुई है, तो दोपहर को खाना नहीं बनाया मैंने, जिसकी वजह से डांट पड़ चुकी थोड़ी सी, तो अभी लग रही है बहुत ज़बरदस्त वाली भूख, तो खाने वाले हैं, ओश है मैंने तो होश ही नहीं होगी इनको, खाने वाले हैं मैं और मम्मा। क्या खाने वाले, वो है नहीं, उसे बोल रही हूँ चावल दाल बनाओ, चावल दाल में लग जाएगा 1 घंटा, तो इसलिए सब्जी पड़ी हुई है, तो मैं लगी आटा गूंदने और रोटी बनाने, तो फिर खाते हैं, मंजूर है या नहीं। बेशक गर्मी बना के खिला, बेशक गर्मी बहुत ज़्यादा है बट क्या करें, भूख तो लगी है, अब खाना तो है ही कुछ, भूखे तो रहना नहीं ना, पेट में चूहे बोले दे कुछ, मुझे भी, हमें भी लगी है भूख, मुझे भी पानी पिलाओ, हैं पानी पिलाओ, खाना खिलाओ तो। मैं चुप क्यों हूँ आप लोगों को भी बताती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा नज़ारे जो है ना, मतलब सबसे खुश इंसान जो है ना, दो जने हैं, मतलब दो हैं तो सबसे खुश है हमारे घर में, एक ये और एक इतना सही बंदा ना, मतलब पूरे दिन सोए रहना, जब मन करे आ जाना, बस खाना खाना फिर से सोना, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है सर उसको। सो मैं दिखाती हूँ वो कौन है, ये देखो, इसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, अपनी सोई हुई है आराम से, अभी जाएगा जब टाइम होगा फिर ये घूमेगी पीछे पीछे म्याऊं 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 करके, तो जब अभी खाना बनाने लगी उसको खुशबू आएगी तब भी आएगी, क्योंकि मैं बनाऊंगी परोंठी, हैं जी हमारे लिए खानी, मैं तो खा सकती हूँ ना आपको, हाँ तो मैं तो खाऊंगी परोंठी और इसको भी देखा किसी खुशबू आई है, क्या बोलूँ मैं इसको, थोड़ा काम इसको भी सिखाओ, झाड़ू पोछा लगाना है, सिर्फ गंदे डालती है। सो गाइस इतने बुरे दिन आ गए हैं, चलो यार टाइम
टाइम वेस्ट हो रहा है बातें कर करके, खाना बनाते हैं इससे अच्छा तो। सो गाइस खाना बना दिया मैंने और मम्मा जी सोई हुई, सो भी गई पता भी नहीं चला कुछ। तो हम इंजॉय करते हैं अपने परांठे और मम्मा जी की प्लीज, तो मम्मा ही खाएंगी, हम तो नहीं खाने वाले। ये देखो मेरे परांठे थोड़े अच्छे ही हैं, इतनी ऐसी शेप काफ़ी है। सो ये मम्मा के, ये मेरे, अरे सोया मैं इनको नहीं पता। उठो जैसे कि आप लोगों को कहा था कि खुशबू के साथ, खुशबू के साथ ये उठ जाएगी, तो ये खुशबू सूंघी और ये उठ भी गई। सो एंजॉय करते हैं इसको। तो गाइस मैं लेने गई थी पानी, ये देख सकते हैं आप, मैं पानी लेने गई थी और ये देखो इधर। सो मम्मा यहाँ पे आके स्टार्ट भी हो गई है। मैं जस्ट पानी लेने गई थी, मैंने सोचा ये सोए हुए, जब मैं पानी लेके उनको प्यास लग रही, जैसे ही पानी लाने गई मैं आके देखा मेरी जगह, मतलब मेरी सीट बुक हो चुकी थी और ये खा रहे हैं आराम से। अब खाओ बच्चा, हाँ अभी आप सोए हुए थे। अच्छा वो तो मुझे भी पता है, चलो ठीक है फिर खाओ, अच्छी बात है, खाओ खाओ, अब हम भी खाते हैं। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। सो हम वीडियो को बस यहीं तक रखेंगे क्योंकि अब आप लोगों को पता शाम का खाना बनाना है मैंने बस, तो क्या बताऊँ कि मतलब शाम के खाने में हम दाल बनाने वाले, सिंपल जो होती है सिंपल दाल बनाने वाले हैं और कुछ भी नहीं। सो यहीं तक आज वीडियो रखते हैं और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। सो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि सिर्फ 7 सब्सक्राइबर रह गए 100 होने में, अभी तक तो 100 भी नहीं हुए मेरे। सो प्लीज़ यार 100 ही कर दो, बाकी हम आगे आगे होते जाएंगे धीरे धीरे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।